कर आप मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ करण अग्रवाल जी। मेरा नाम अभी भी करण अग्रवाल है, हम अभी भी थर्ड ईयर में मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं बैंकी से। जब संडे का दिन था, जब मेरी फ्रेंड का कॉल आया, वो सीधे फ्लैट पे आ गई, करण क्या कर रहा है यार, संडे का दिन है, सुबह 9 बजे ऑब्वियसली सो रहे होंगे। उसने कहा चल, उसको पता था जिस सोच के साथ, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, जिस सोच के साथ हम डेली आए थे कि यार नॉर्मल लाइफ तो नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ाई तो लखनऊ में भी होती है, बट यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर, थोड़ा ज्यादा स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। तो यार उस थॉट के साथ जब दिल्ली है, उसको पता था हम कुछ ढूंढ रहे थे, वो सीधे सुबह फ्लैट पे आती 9 बजे, करण क्या कर रहे थे, कुछ नहीं सो रहे। उसने कहा चल, हम जब यहाँ पे पहली बार आते हैं, व्हाइट शर्ट टाइम, इतने सारे लोग ताली बजा रहे हैं, इतने हाई के साथ एक इंसान को स्टेज पे बुलाया जाता है, पहले हमें लगा वो यार 34-35 साल का इंसान, बट जब वो आता है मेरी वहां पे, क्योंकि आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली और अच्छे कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स चल रहा था, इतना अच्छा कोर्स, इतना आसान कोर्स तो वहां चल रहा था मेरा, तो हम सब बहुत ईगो में पीछे बैठे हुए थे कि इसको यार इसको नहीं सुनना। बट जब तक सेशन खत्म हुआ, मेरी वहां बोलती बंद हो गई थी, वो सेशन और किसी का नहीं, निशान भाटिया सर का था। समझ में नहीं आया, हमको एनवायरमेंट इतना अच्छा लगा कि यार मेरा जो मेन रीजन था सहरसा ज्वाइन करने का, वो यूपीएससी था। यूपीएससी में सबसे ज्यादा लोग रिजेक्ट कब होते हैं? इंटरव्यू में भाई, अगर तुम्हारे पास एकेडमिक नॉलेज है तभी तुम वहां तक पहुंचे हो, बट अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तुम लोगों को एक तुम्हें देश चलाना है, तुम्हें जिला चलाना है, अगर तुम लोगों को संभाल ही नहीं सकते, तुम्हारे पास इन्फ्लुएंसिंग पावर ही नहीं है, तुम्हारे पास लोगों को समझाना ही नहीं आता है, तुम कैसे एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो? 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन से 1000 लोग का होता है, सिलेक्शन रेशियो 0.01% उसमें से 0.001% में कुछ ऐसा तो होता होगा जो बाकी के 9,99,000 में नहीं होता है। हमको उस 1000 लोगों में आना था, हमने कहा चलो यार करते हैं, वैसे भी 13,000 में क्या होता है। स्टार्टिंग में कुछ खास समझ में नहीं आया था, बहुत ज्वाइन कर लिया था, सामान अच्छा लगा, हमको चलो ठीक है करते हैं, धीरे धीरे करते करते मेरा खुद का म्यूजिक बैंड भी है, लव्स द बैंड, यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करना, मेरा म्यूजिक बैंड भी है, मेरे बता रहे और उसके बाद फिर हम बहुत लोगों से मिलते, लोग कहते हैं तुम बेवकूफ बनाते हो, हम नहीं बनाएंगे, लोग कहते हैं तुम बेवकूफ बनाते हो, हम नहीं बनाएंगे, आओ बैठ जाओ मेरे साथ, लॉजिकली ये प्रूफ कर दो कि हम बेवकूफ बनाते, तुम्हारी जीवीडी के पैसे हम लगाएंगे। इतनी मस्ती में गया, कैंटीन कॉलेज फ्लैट ये सब चलता रहता था, बहुत अच्छी टीम मिली, प्रज्ञा जी, सक्षम जी, शिवान जी, निखिल जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।